नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स और बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर एमएलएस गेम बिटवीन सिएटल साउंडर्स और लॉस एंजलिस, जो दोस्तों 17 मई को सुबह 7 बजे खेला जाएगा। दोस्तों सिएटल साउंडर्स ने ये सीजन में बहुत ही तगड़ा स्टार्ट किया है, बहुत ही उमदा खेल रही है। लॉस एंजलिस दोस्तों इतना अच्छा नहीं खेल पा रही है सीजन में, वो हम देखेंगे दोस्तों जब हम आपको हमारे टेबल में बताएंगे दोनों टीम्स का पोजीशन। पर दोस्तों ये काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल गेम होने वाला है, क्योंकि भले ही सिएटल साउंडर्स बहुत ही तगड़ा खेल रही है, बट लॉस एंजलिस दोस्तों काफी अच्छी टीम है, उनका डेप्थ स्क्वाड में काफी अच्छा है, तो दोस्तों कभी भी बाउंस कर सकती है और चांसेस है कि सिएटल साउंडर्स को इस गेम में अपसेट कर सकती है। इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा ताकि वो समझ सके रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे, जो हम आपको बताएंगे कि हमने सजेस्टेड ड्रीम इलेवन टीम क्यों लिए और वो 3 ग्रैंड लीग प्लेयर्स क्यों लिए जो आपको हेल्प करेगा जीतने में। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे हम सिर्फ एमएलएस कवर नहीं करते, बाकी कई सारे क्रिकेट और फुटबॉल गेम्स भी कवर करते, तो उसकी भी आपको टीम चाहिए रहेगी, एनालिसिस चाहिए रहेगा, तो वहां पे मिल जाएगा। तो फट से ज्वाइन कर दीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। जैसा कि हम देख सकते हैं सिएटल साउंडर्स फर्स्ट पोजिशन पे तगड़ा खेल रही है, उन्होंने 5 गेम खेले जहां पे 4 गेम जीती है, 1 गेम ड्रॉ करी। उनका अटैक दोस्तों बहुत ही सुपीरियर है, जिन्होंने 11 गोल स्कोर किए, पर दोस्तों उससे भी काबिले तारीफ है उनका डिफेंस, जिन्होंने सिर्फ 2 ही गोल कंसीड किए। लॉस एंजलिस दोस्तों सेकंड लास्ट पोजीशन पे वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में, जहां पे उन्होंने 4 में से 1 गेम ही जीती है, 2 गेम ड्रॉ करी है एंड 1 गेम हारी है। दोस्तों उनका अटैक और डिफेंस इतना कुछ कहने लायक है नहीं, जहां पे सिर्फ उन्होंने 5 गोल स्कोर किए हैं और 4 गोल कंसीड करे हैं। रिसेंट गेम की बात करें दोस्तों, तो लास्ट 5 गेम में सिएटल साउंडर्स ने 4 गेम जीती है और 1 गेम ड्रॉ करी है। उनके अटैक ने काफी उमदा परफॉर्मेंस देखे, लास्ट 5 गेम में 11 गोल स्कोर किए, 3 गेम में क्लीन शीट भी रखी और सिर्फ 2 ही गोल कंसीड किए। लॉस एंजलिस ने दोस्तों लास्ट 5 गेम में 3 गेम ड्रॉ करी है, 1 गेम जीती है एंड 1 गेम हारी है। लास्ट गेम दोस्तों उन्होंने सेकेंड प्लेस एलए गैलेक्सी के सामने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, काफी क्लोजली फॉट किया था, फिर भी दोस्तों वो 2-1 से हार गए थे। उनके अटैक ने दोस्तों लास्ट 5 गेम में 8 गोल स्कोर करे, बट दोस्तों उनका डिफेंस काफी लीक करता है गोल, जिसके कारण वो गेम से तो ड्रॉ करते हैं तो हार जाते हैं, जहां पे जैसा हम देख सकते हैं उन्होंने लास्ट 5 गेम में 7 गोल कंसीड करे हैं। की स्टैट्स की बात करें दोस्तों, तो सिएटल साउंडर्स ने अपने होम में काफी उमदा परफॉर्मेंस दिया, अनबीटन रही है वो, काफी तगड़ा खेलती है, जहां पे उन्होंने लास्ट 6 होम गेम्स इन अ रो जीत ली है। लॉस एंजलिस ने दोस्तों उनका डिफेंस काफी वीक है, जैसे हमने आपको प्रीव्यू सेक्शन में बताया, जिसके कारण वो आसानी से सामने वाले के गोल्स कंसीड कर लेते, जहां पे वो लास्ट 18 अवे गेम में से 1 भी गेम में क्लीन शीट रही रखी नहीं है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों दोनों टीम्स की, तो सिएटल साउंडर्स काफी डोमिनेट करती है, जहां पे जो 3 होम मीटिंग्स हुई थी सिएटल साउंडर्स के होम ग्राउंड पे, वहां पे सिएटल साउंडर्स ने एटलीस्ट 3 गोल तो स्कोर कर ही करे थे और वो तीनों की तीनों गेम जीत ली थी। और दोस्तों ये गेम कभी भी क्लीन शीट से कंप्लीट नहीं होता है, गेम दोनों टीम एटलीस्ट 1 गोल तो स्कोर करती है, जो कि हम पास्ट एक्सपीरियंस में देख सकते हैं, जहां पे लास्ट 9 मीटिंग जो दोनों टीम के साइड हुई थी उसमें एटलीस्ट 8 गेम में 1 गोल तो स्कोर हुआ ही हुआ है दोनों टीम की साइड से। तो दोस्तों यदि आपके से स्टार्ट एनालिसिस मोर इंटरेस्ट रखते हैं, मजा आता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपने सब्सक्राइब ना किया हो हमारे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जैसा हमने कहा दोस्तों दोनों टीम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेम है, जहां पे सिएटल साउंडर्स भले ही टॉप पोजीशन पे, बट वो सेकंड प्लेस एलए गैलेक्सी सिर्फ 1 ही पॉइंट के डिफरेंस पे, तो यदि ये गेम वो ड्रॉप भी करते हैं तो सिर्फ 2 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, इसलिए दोस्तों वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये गेम जीते और अपनी लीड एक्सटेंड करें। लॉस एंजलिस दोस्तों सेकंड लास्ट टीम है, उनको भी अपनी पोजीशन इंप्रूव करनी है, स्टार्ट ऑफ द सीजन ही है भले ही है, फिर भी दोस्तों वो ट्राई करेंगे कि ये गेम जीते और स्टार्ट ऑफ द सीजन से ही वो मिड टेबल पे आ जाए, तो इसलिए दोस्तों दोनों टीम्स के लिए काफी मस्ट विन गेम है और हम एक्सपेक्ट करें दोनों टीम्स के टॉप प्लेयर्स को ही खिलाएंगे। की प्लेयर्स की बात करें दोस्तों, तो सिएटल साउंडर्स की साइड से रुइडस रोल्डन हमारे टॉप पिक है, जहां दोस्तों रुइडस ने 5 गोल स्कोर किए, उसी रोल्डन ने 1 गोल स्कोर किया, 1 असिस्ट दिया। एलए लॉस एंजलिस की साइड से दोस्तों रॉसी बियर्ड और अटुएटा हम की प्लेयर्स है, जहां पे रॉसी ने दोस्तों 1 गोल स्कोर किया है, बैड ने दोस्तों 2 गोल स्कोर किए, 1 असिस्ट दिया और अटुस्टा ने 1 गोल स्कोर करा है। दोस्तों सजेस्टेड ड्रीम इलेवन की बात करें तो फॉरवर्ड रुइडस रॉसी और बाइड हमारे टॉप पिक है। अच्छा दोस्तों रुइडस तो ऑटोमेटिक कैप्टनशी वाइस कैप्टनशी ऑप्शन हो जाते हैं। अगर आप बैक करते हैं
लॉस एंजलिस इस गेम में एक गोल स्कोर करेगी तो आप रॉसी या फिर बेट को अपना कैप्टनसी एस कैप्टनसी ऑप्शन में भी चूज करते सकते हैं जब आप हेड टू हेड लीग टीम बनाते हो तब। मिडफील्ड की बात करें तो रोल्डन राव और उटेस्टा हमारे टॉप पिक है। जहाँ दोस्तों रोल्डन और उटेस्टा को हमने हमारे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में रखा है। दोस्तों ये दोनों प्लेयर्स स्मॉल लीग के लिए काफी अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों सिर्फ मिडफील्ड में रहकर अटैक में इन्वॉल्व नहीं रहने वाले, डिफेंस में भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। डिफेंडर्स की बात करें दोस्तों तो ए रोल्डन, टोलो, वाई गोमेस हमारे टॉप डिफेंडर्स है और सिसिनिक हमारे टॉप गोलकीपर है। जैसे हमने आपको बताया दोस्तों प्रीव्यू सेक्शन कि सिएटल साउंडर्स का डिफेंस काफी अच्छा है, इसलिए हमने ज्यादातर प्लेयर्स डिफेंस में उन्हीं को सिलेक्ट किए गए। और अभी अपने दोस्तों 6/4 के रेशो में 10 प्लेयर वाली टीम दी है, अभी हमारे पास 10 क्रेडिट लेफ्ट है। तो देखते हैं दोस्तों कौन से है वो 3 प्लेयर्स जो आपको ग्रैंड लीग जिताने में हेल्प कर सकते हैं। और दोस्तों हम आपको लेंस प्लेयर के लिए इसलिए ऑप्शन देते सिर्फ ग्रैंड लीग के सोच के हुए नहीं, बाकी अगर आप मल्टीपल टीम डालते हैं तो उसमें भी आपको ये 3 प्लेयर्स रोटेट करने में काफी हेल्प हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हमेशा 11th प्लेयर का ऑप्शन देते ही देते हैं। तो दोस्तों 11th प्लेयर ये है सिएटल साउंडर्स के साइड से नील और लॉस एंजल्स के साइड से ब्लैकमोन और ब्लेसिंग हमारे 11th प्लेयर ऑप्शन है, जहाँ पे नील और ब्लैकमोन दोस्तों डिफेंडर है। तो अगर आप बैक करते हैं सिएटल साउंडर्स को कि वो एक गेम में फुल्ली क्लीन शीट रखेगी और गेम जीतेगी तो आप नील को लोड कर सकते हैं। अभी हमने ऑलरेडी 3 प्लेयर्स लोड किए हुए हमारे डिफेंस में सिएटल साउंडर्स के। लेकिन अगर आपको लगता है कि लॉस एंजलिस इस गेम में एटलीस्ट एक गोल तो स्कोर करेगी या फिर ये गेम 0-0 से ड्रॉ हो सकता है तो आप ब्लैक मून को ले सकते हैं, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते कि पूरा बैक करना कि सिएटल साउंडर्स इस गेम में क्लीन शीट रखेगी। ब्लेसिंग दोस्तों मिडफील्डर है, आप उनको ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में इफ यू आर बैकिंग कि लॉस एंजलिस इस गेम में स्कोर करेगी। उन्होंने दोस्तों 1 असिस्ट दिया हुआ है ये सीजन में। तो अपनी गट फीलिंग को बैक करते हुए क्या लगता है कौन सी टीम ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाली है, कौन से पोजीशन के प्लेयर ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाले, आप लेंस प्लेयर को चूज कर सकते हैं इन योर ग्रैंड लीग एंड मल्टीपल टीम्स। और अगर आपको हमारी फाइनल टीम जाननी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा जिसका नाम है फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेशन, जिसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में दी हुई है, जहाँ पे फाइनल टीम आपको हमारी गेम स्टार्ट होने से 10 से 15 मिनट पहले मिल जाएगी विद आर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन। और दोस्तों रुके रुके साथ में हम आपको एक एक्सपर्ट एनालिसिस भी देते हैं जो आपको काफी हेल्प करेगा अपनी फाइनल टीम बनाने में जब आप खुद की टीम बनाते हो तब। तो उसके लिए भी दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेगा, काफी बेनिफिट है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से, फ्री चैनल है तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, अच्छी लगे हमें रिसर्च, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा, शेयर करें दोस्तों एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और याद रखें दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट एक फन एलिमेंट है, उसी की तरह ट्रीट करें, रिस्पॉन्सिव के लिए अच्छे से खेले क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है, तो अपने केवल ज्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करेगा। जल्द मिलते हैं किसी और क्रिकेट, फुटबॉल या दूसरे कोई स्पोर्ट के वीडियो में। धन्यवाद।